वेलकम टू कौशल की किचन। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। और मटर पनीर में जो भी सामान लगता है वो ऐसा है। ये प्याज है जो मैंने चॉप कर लिया है, मटर बॉईल हुए हुए हैं, ये टमाटर है, मैंने दो टमाटर लिए तो वो मैंने पीस लिए हैं, और एक चम्मच अदरक का पेस्ट है, एक चम्मच ही लहसुन का पेस्ट है, और ये है लाल मिर्च एक चम्मच, पिसा हुआ धनिया एक चम्मच, हल्दी एक ही चम्मच, जीरा आधा चम्मच, और ये छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, ये दो तेज पत्ते और थोड़ा सा मैंने इसमें कसूरी मेथी, और ये दो चमचे मैंने ऑयल लिया है, और ये क्रीम है, और मेरा 200 ग्राम पनीर है। चलिए शुरू करते हैं। ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें बिस्मिल्लाह तेल डाल दिया मैंने, थोड़ा सा गर्म होने में तेल को, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम सबसे पहले डालेंगे इसमें दालचीनी और दो तेज पत्ते हैं, और इसमें जीरा करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद इसमें चॉप प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये सोटे हो जाए, हल्का ज़्यादा नहीं। कम से कम 2-3 मिनट सिर्फ आप इसको तेल के अंदर ऐसे ही रहने दें, हमें इसे ना ब्राउन करना है ना डार्क, कुछ नहीं, बस हल्का सा 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। इसका फ्लेम आप हाई रखें, और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे चलाएं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी और मिर्च, धनिया, और सॉरी मैं आपको नमक बताना भूल गई थी, मैं नमक डालना भूल गई, बताना आपको याद नहीं। आप मैं इसमें 2 चम्मच नमक डालू, मेरा चम्मच छोटा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए टमाटर, बस इसको मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, मसाला अच्छा भुनेगा तो मटर पनीर बहुत ही अच्छा बनता है। से कम मैंने 6-7 मिनट तक, 6-7 मिनट तक मैंने इसको भूना है, और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ऐड कर दिया हमने इसके अंदर, अब थोड़ा सा इसे और भूनेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर ना जाए, अच्छे से भूनेंगे। अगर मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा तो मटर पनीर का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए अच्छे से मसाला ज़रूर भुने। मसाला अगर अच्छा भुनना है तो थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए कम से कम इसे 6-7 मिनट तक आप अच्छे से भूनें इसको। ये देखिए इसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मटर, ये बॉयल है तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें जल्दी बन जाएगा, फिर भी कम से कम 10-15 मिनट तो इसे पकाना पड़ेगा पनीर के साथ, तो मैं पनीर ऐड करूँगी इसमें, थोड़े से अच्छे से इसको। अब इसके अंदर हम पनीर ऐड करेंगे, अब इसको हम सूखा तो पकाएंगे नहीं, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा हमें ताकि ये अच्छे से इसमें मसाला अच्छे से पके, मटर के साथ पनीर के साथ, तो उसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब
अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पानी आपकी मर्जी है, आपको थोड़ा सा इस तरह का खाना है या फिर थोड़ा बस, तो हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए हमारा। इसकी फ्लेम अभी तो आप हाई कर दें, लेकिन तब इसमें ऐसे बबल्स आने लगेंगे, तो आप इसकी फ्लेम एकदम स्लो कर दें और कम से कम 15 मिनट तक इसे अच्छे से पकने दें।